नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार केंद्र सरकार के ऊपर कांग्रेस हमलावर रही है और ये कहते हैं कि लगातार मौके की तलाश में भी रही है। अब इस मौके की तलाश में कांग्रेस के हाथ में एक बहुत बड़ा मौका आया है, यूं कहिए बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगी। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस पिछले कई समय से, काफी लंबे समय से, वे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक संस्थाओं के ऊपर दबाव डालते हैं और साथ ही न्याय प्रणाली के ऊपर भी उनकी पकड़ है, मजबूती से वे अनेक संस्थाओं को अपने कब्जे में किए हुए हैं। इसके बाद ही राहुल गांधी ने भी कई बार आरोप लगाया था कि उनके फोन पर पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर था, जिससे कि किसी भी फोन की जाँच और निगरानी या तौर पर जो है घुसपैठी जासूसी की जा सकती है। इन सभी आरोपों को एक तरफ रखते हुए अब कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और वह मुद्दा है कि बीजेपी की सरकार को घेरने की। जिस तरह से ट्विटर के पुराने पूर्व सीईओ ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के ऊपर हमला बोला था और कहा था कि किसानों के मुद्दे को उठाने को लेकर के उन्हें, यानी कि ट्विटर के संस्था को, यह धमकी दी गई थी कि उनके अधिकारियों पर छापा मारा जाएगा और किसानों के मुद्दे को ना दिखाया जाए, इस तरह के कई सारी बातें कही गई थी। जाहिर तौर पर यह सारी बातें लगातार कांग्रेस इन सभी को उठा रही है और अब कांग्रेस का सीधा सीधा लक्ष्य नरेंद्र मोदी की सरकार पर है, क्योंकि जो बातें कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी पिछले कई समय से, काफी लंबे समय से कह रहे थे, अब यही बातें जब ट्विटर के सीईओ, पुराने सीईओ, पूर्व सीईओ ने कहा है, तो अब ये सारी बातें एक बार फिर से सच जाने लगी है। अब इन सब के बारे में जो है कांग्रेस की महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब उनका साफ है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस लोकतंत्र को समाप्त कर रही है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाया, उन्होंने यह कहा कि बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरह के हमले होते रहे हैं, लेकिन अब इन बातों से यह साफ हो गया है कि डॉर्सी के बयानों के बाद यह साफ हो गया है कि आखिरकार मोदी, यानी कि मोदी सरकार लगातार अलग अलग संस्थाओं के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है, अपना कब्जा करना चाहती है और उनके ऊपर दबाव डालना चाहती है। उन्होंने कहा कि आखिर जैक डॉर्सी क्यों किसके दबाव में आकर के ये सारी बातें करती है। खैर, इन सब के बारे में लगातार कांग्रेस की अलग अलग टीमें, अलग अलग नेता हमलावर हैं और लगातार वे केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। इस बीच में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जैक डॉर्सी ने क्या कहा और फिर इसके बाद में सरकार ने अपने पक्ष में क्या बचाव रखे या सरकार ने इस बारे में क्या बयान दिए, ये सारी चीज जानना अहम है, क्योंकि एक तरफ लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर हमलावर है, तो इसके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर क्या बातें थी जिसने कांग्रेस को इतना बड़ा हमला करने को मजबूर कर दिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉर्सी ने क्या कहा था। दरअसल कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट को इंग्लिश में इंटरव्यू दिया था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि जब वे किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान कई सवाल उनसे पूछे गए थे, इसी सवालों में से एक उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, तो उनकी तरफ जवाब हुआ कि ऐसा कई बार हुआ है और उन्होंने भारत का उदाहरण दिया और उन्होंने अपनी बात को विस्तार से बताते हुए कहा कि सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की बात कही गई थी और उन्हें साथ ही नियमों का पालन न करने के लिए भी कई तरह की बातें कही गई थी। अब इसके बाद में भारत के आईटी मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ नेता, यानी कि उनके प्रमुख ने इस सभी बातों को पूरी तरह से नकार दिया है। राजीव चंद्रशेखर ने इन सारी बातों को नकारा है और कहा है कि भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, जब से ट्विटर जो है भारत में आई हुई थी तब से वे भारत के गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी ट्विटर के किसी भी कर्मचारी के ऊपर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया और आखिरकार जून 2022 से ट्विटर ने भारतीय नियमों के अनुसार काम करना शुरू किया। तो ये तो रही इस पूरे मामले की तह तक की बात, लेकिन कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और वो बार बार सवाल पूछ रही है प्रधानमंत्री मोदी से, या फिर ये क्या कारण है कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस मुद्दे में बात कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस के अलावा भाजपा के नेताओं का यह मानना है कि जैक डॉर्सी भारत के विपक्ष वाले विचारधारा को जो है मानते हैं और वे लगातार भारतीयता के विचारधारा और भारतीय लोकतंत्र को लेकर के शुरुआत से उनका मतभेद चल है, इसी वजह से अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का और अपनी व्यक्तिगत राजनीति या एजेंडे को साबित करने के लिए वे ऐसा बयान दे रहे हैं। खैर, ये तो रही
जैक डॉर्सी के बयानों पर कांग्रेस ने किस तरह से मोदी सरकार को घेरा है, ये बात देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए एसपीएन।